गोवा में जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है। फडणवीस जी, क्या आप कई दिनों से गोवा में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या बीजेपी फिर एक बार सरकार बनाती हुई दिख रही है या टफ फाइट दिख रही है? जी निश्चित, भारतीय जनता पार्टी ये गोवा में सरकार बनाएगी। देखिए, जहाँ तक टफ फाइट का सवाल है तो हम किसी भी चुनाव को कमज़ोर नहीं मानते, किंतु अभी गोवा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये तय होना बाकी है कि फाइट है किसके साथ, क्योंकि अपोजिशन की पार्टियाँ आपस में ही अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रही है। तो एक बार ये तय हो जाए कि किसके साथ फाइट है तो उसके बाद उसका विश्लेषण किया जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो शरद पवार हैं एनसीपी प्रमुख, उनका कहना है, उन्होंने एक मुंबई में बयान दिया है कि गोवा हो या उत्तर प्रदेश हो, जो लाइट माइंडेड पार्टीज है उनका चुनाव पूर्व गठबंधन कराने की तैयारी जो है वो उस तरह की टॉक चल रही है, खासतौर से टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गोवा में साथ आ सकते। देखिए, अपोजिशन का जहां तक सवाल है तो पवार साहब की पार्टी ऐसी है, पानी तेरा रंग कैसा, जहाँ जिसमें मिला है उसके जैसा। तो कहीं सपा से बात करते हैं, कहीं कांग्रेस से बात करते हैं, कहीं और टीएमसी से बात करते हैं, चूंकि इट इज़ नॉट अ नेशनल पार्टी, कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, कोई राष्ट्रीय वजूद भी नहीं है उनका, कोई राष्ट्रीय विचार भी नहीं है उनके। नाम राष्ट्रवादी जरूर होगा लेकिन वो तो पश्चिम महाराष्ट्र की पार्टी है, थोड़ी महाराष्ट्र की पार्टी है, उससे बड़ी तो वो कोई पार्टी है नहीं। हाँ, लेकिन उनको अपना प्रेजेंस दिखाना जरूरी है हर जगह, क्योंकि पवार साहब अल्टीमेटली तो एक नेशनल लीडर है, तो उनको हर जगह अपना वो है, उनका वजूद है, दिखाना जरूरी है। इसलिए वो थोड़ी थोड़ी सीटों पर लड़ने की कोशिश करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि प्री अलायंस हो सकता है इन पार्टियों का? देखिए, कोई भी किसी के साथ अलायंस कर सकता है, इस मामले में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर अभी हाल ही में जो परिस्थितियां दिखती है, मुझे लगता नहीं है कि उनको साथ में लेने को कोई बहुत तैयार होगा। दूसरा, गोवा में भी बीजेपी के कई नेता जो है पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, माइकल लोबो ने जो मंत्री थे सरकार में वो चले गए, इसके अलावा कई दूसरे विधायक भी जो है वो छोड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी है उनको ये पता था कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अल्टरनेट व्यक्ति को पार्टी में ले लिया था, उसके बाद वो छोड़कर गए, उनको बताकर कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, आप वापस चुनकर नहीं आ सकते और इसलिए हमको दूसरा लेना पड़ेगा। हमने अविश्वास नहीं रखा, विश्वास में लेकर उनको ये कहा कि भाई आप देखिए, सर्वे भी दिखा रहे, जनता आपके खिलाफ है, लेकिन आजकल राजनीति में कोई रुकना नहीं चाहता, तो यहाँ अल्टरनेट्स बहुत है, वो दूसरी पार्टी में चले गए। जहाँ तक माइकल लोबो का सवाल है, तो माइकल ने सारी राजनीति ये बीजेपी में की, माइकल नेता बने, बीजेपी के भरोसे बने, बीजेपी ने उनको मिनिस्टर बनाया, बीजेपी ने सारे पद उनको दिए, लेकिन उनकी प्रमुख रूप से मांग ये थी कि उनके साथ साथ उनकी पत्नी को भी टिकट दिया जाए। और शिवलिम, जहाँ पर हमारे कई सालों से चुनकर आने वाले एमएलए हैं, जो हमारे मिनिस्टर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को छोड़कर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए, तो ये हमको मंजूर नहीं था, हमने कहा ये नहीं दिया जा सकता है। और कुल मिलाकर जिस प्रकार की कार्रवाई माइकल कर रहे थे तो बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस के लोगों को मदद कर रहे थे, पिछले भी चुनाव में उन्होंने मदद की, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था, इसलिए हमने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। आखिर अब बीवी का प्रेशर भी तो बहुत होगा, तो इसलिए वो चले गए, वहाँ दो टिकट मिल रही है तो लड़ रहे हैं। सर, मनोहर पर्रिकर यहाँ के टॉलेस्ट नेता, उनका जो बेटा है उत्पल पर्रिकर, वो भी बीजेपी से चाह रहे हैं कि वो टिकट उनको मिले, क्या आपको लगता है संभावना उनको टिकट देगी बीजेपी? देखिए, उत्पल एक अच्छा लड़का है, भारतीय जनता पार्टी में उसको बहुत भविष्य है। हम ये चाहते हैं कि उत्पल भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में आए, क्योंकि जब तक मनोहर भाई थे तब तक उत्पल राजनीति में नहीं थे, उसके बाद भी वो राजनीति में कुल मिलाकर देखा जाए तो एक दो साल से ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर वो विचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप निश्चित रूप से डेवलप होगी। बाकी उनके बारे में निर्णय क्या करना है ये तो सेंट्रल पार्टी कर सकती है। सर, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं और उनके बाद कई विधायकों ने झड़ी लगा दी इस्तीफे की, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 325 एमएलए, 325, और मैं उत्तर प्रदेश का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और पार्टी की तरफ से प्रवक्ता भी नहीं हूँ, पर जो मेरी जानकारी है या जो मुझे समझता है उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि 325 विधायक है।
अगर ये मान लीजिए कि कोई भी चुनाव, क्योंकि मैं भी इतने चुनाव लड़ाऊ, हर चुनाव में कम से कम 10% लोगों के टिकट कटते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस नहीं होता, एंटी इनकमबेंसी होती है मिनिमम। अब 325 में 10 का भी हिसाब लगा ले तो 35 तक लोग चले जाते हैं। तो अगर ये जो लोग हैं इनको समझ में तो आता है कि भाई शायद हमको अब रिपीट नहीं किया जा रहा, ऐसे लोग कई बार पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग और किसी कारण से चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, हम वापस पुरानी फिगर को पार करेंगे। रैलियों पर रोक लगाई हुई है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ने जो पब्लिक मीटिंग्स है उसको देना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा नंबर भी कहीं ना कहीं कम दिख रहा है कोरोना? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेकर या उनसे विचार विमर्श करके इस संदर्भ में उचित निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय है, हम तो मानते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो लगता ही है कि रैली होनी ही चाहिए, पर साथ साथ लोगों की जान माल का भी जो अगर खतरा तैयार होता है तो उसका भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज इनको साथ में लेकर इलेक्शन कमीशन निर्णय करेगा।